एनसीबी के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म जवान में न सिर्फ ये कि तनकीद की है बल्कि उन पर तंज भी कसा है, जिसका जवाब समीर वानखड़े ने दिया है। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म की एक डायलॉग में ये कहा है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। इसका जवाब समीर वानखड़े ने यूँ दिया है, उन्होंने अपने ट्विटर पर कहा है कि मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और इस तरह की धमकी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं शोलों पर चला हूँ और मुझे जहन्नुम से डर नहीं लगता। बता दें आपको कि समीर वानखड़े ने 2021 में शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो है तंजिया तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर शाहरुख खान ने समीर वानखड़े को निशाना बनाया है, लेकिन समीर वानखड़े ने इसका जवाब बहुत ही खूबी से दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरह के कलमात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो असल ज़िंदगी में हीरो है। रील हीरो और असल हीरो में फ़र्क होता है, ये अवाम को तय करना है कि उनका हीरो कौन है, क्या ड्रग्स बेचने वाला या ड्रग्स जो है ड्रग्स के नशे के लिए लोगों को माइल करने वाला, जैसे कि आर्यन खान नौजवान नस्ल को ड्रग्स की तरफ माइल करता था। ये बात एनसीबी के चार्जशीट में सामने आई थी। बता दिया आपको कि समीर वानखड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही शाहरुख खान और समीर वानखड़े में तनाज़ा जारी है। जवान फिल्म में भी समीर वानखड़े को निशाना बनाने के लिए इस तरह का डायलॉग रखा गया ताकि समीर वानखड़े को यह बताया जा सके कि वो कितने बड़े हैं। लेकिन बता दें आपको कि समीर वानखड़े ने जो लाजवाब जवाब उसे दिया है वो इंतहाई तारीफ़ के काबिल है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि जिस तरीके से वो शाहरुख खान उन पर हमला कर रहे हैं वो किसी से कोई डरने वाले नहीं है और ये जो मामला है वो कोर्ट में भी है। बता दें आपको कि कोर्ट ने जो है समीर वानखड़े पर न सिर्फ ये कि पाबंदी आयद कर रखी है, वो केस से मुतालिक कुछ भी बात नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की जो तनकीदें हैं वो दूसरी जानिब से जारी है। इसके बावजूद अब ये आवाम को तय करना है कि उनका रोल मॉडल और हीरो समीर वानखड़े है या शाहरुख खान। समीर वानखड़े जिसने नशे के खिलाफ जो है जंग लड़ी है और शाहरुख खान जो है शाहरुख खान का फर्जंद न सिर्फ ये कि नशे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है बल्कि नौजवानों को नशे की तरफ माइल करता है, तो ये अब तय करना होगा लोगों को कि उनका असल हीरो समीर वानखड़े है, शाहरुख खान है या आर्यन खान है। इस सिलसिले में न सिर्फ ये कि शिव प्रतिष्ठान ने वार्निंग दी है कि अगर शाहरुख खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शिव प्रतिष्ठान जो है शाहरुख खान के घर के बाहर एहतजाज करेगी। इस मामले में शिव प्रतिष्ठान के लीडर ने क्या कहा, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में।